नमस्कार, मैं हूं सरफराज खान। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त बिजनौर के शिवाला कला इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है। सड़क किनारे किसान की खून से लथपथ झाड़ियों में पुलिस को लाश मिली और पुलिस ने महज 6 घंटों के भीतर कत्ल का खुलासा भी कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त का है जब मृतक ध्यान सिंह अपने घर से खेत की ओर जा रहा था, लेकिन इसी बीच वो घर नहीं लौटा। वहीं पास के ही जंगलों में सड़क किनारे झाड़ियों में ध्यान सिंह मृतक की लाश मिली है। पुलिस के अफसरानों ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया था। साथ ही मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने बाकायदा अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया था। महज 6 घंटों के भीतर पुलिस के अफसरानों ने हत्या का खुलासा कर दिया है। पास का ही रहने वाला ओमपाल सिंह नाम का शख्स का पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था और इसी को लेकर के ओमपाल सिंह ने आम के बाग में ध्यान सिंह को बुला लिया और उसके बाद शुरुआती दौर में उसे शराब पिलाई, खाना पीना पिलाया और उसके बाद लाठी डंडों से उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस के अफसरानों ने आरोपी ओमपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही उसने कत्ल के सारे राज पुलिस के सामने उभर दिए हैं। वहीं पुलिस के अफसरान अब आरोपी युवक को जेल भेजने की कवायद में जुट गए हैं। दूसरी खबर बिजनौर के सिवारा इलाके से आ रही खबर यह है कि DCM वाहन के ड्राइवर को 2 बालकों को रास्ता बताना उनके जान पर आफत बनाई। दरअसल एक DCM वाहन पास के ही किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी ले रहा था। उस दौरान 2 बच्चे मासूम यानी 13 साल के मासूम बालक खेल रहे थे और उन्होंने खेल में DCM में बैठ गए। वो भी रास्ता बताने के लिए चंद कदम की दूरी पर जब DCM वाहन चली तो शमशान घाट के आसपास DCM वाहन की टक्कर हो गई और उसके बाद DCM वाहन में यानी कि शमशान घाट के द्वार पर लगे बीम वो उसके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से मलबे में दबने से 2 मासूम बालक 13 साल के गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि दूसरी गंभीर रूप से बालक घायल हो गया। वहीं पुलिस के अफसरानों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। साथ ही DCM वाहन मौके वारदात से फरार हो गया है। तीसरी खबर बिजनौर के नहटौर इलाके से आ रही खबर यह है कि खेत पर एक किसान गेहूं काट रहा था कि इसी दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने किसान पर हमला कर दिया। हालांकि शोर मचाने के बाद बमुश्किल काफ़ी देर बाद इलाके के लोगों ने आग बुझाकर मधुमक्खियों के झुंड से उसको आज़ाद तो करा दिया, लेकिन जब तक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया था। शुरुआती दौर में इलाके के लोगों ने किसान को CSC में भर्ती करा दिया है, जिसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। चौथी खबर बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके से आ रहे गुलदार आए दिन लोगों पर हमला कर रहा है। इसी को लेकर वन विभाग के अफसरों ने कई जिलों की एक्सपर्ट टीम को गुलदार को पकड़ने के लिए लगा रखा है, लेकिन अभी तक गुलदार वन विभाग की एक्सपर्ट टीम के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। हालांकि वन विभाग के अफसर और एक्सपर्ट टीम लगातार जंगलों की खाक छान रहे हैं, लगातार पिंजरे लगाकर साथ ही ड्रोन कैमरे के जरिए और कैमरा ट्रैप के जरिए लगातार उसकी लोकेशन लेने की कयास लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक गुलदार उनके हत्थे नहीं चढ़ पाया है। इसी को लेकर के ग्रामीण खासे परेशान हैं। खेत खलिहान से लेकर गली गलियारों में पूरी तरह से गुलदार के खौफ के मारे सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन वन विभाग के अफसर अभी भी उनके हाथ गुलदार को लेकर के खाली दिख रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।